फल है दही, गुड़ की, गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो ये गुड़ और इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है ये बहुत सारी चीजों के साथ खाई जा सकती है, जैसे दही फुल्की हो गई, आलू की टिक्की हो गई, समोसे हो गए, और भी चीजों के साथ में इसे हम खा लेते हैं। जो घर में हम स्नैक्स बनाते हैं बच्चे उसके साथ पसंद करते हैं खाना, तो इसके लिए हम ले लेते हैं जो सामान वो आपको साथ शेयर करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये बहुत झटपट बन जाती है, इसे आप जरूर ट्राई करें, ये बहुत मजेदार बनती है। इसे बाजार में तो लोग जो पकाते नहीं अच्छी तरह से तो वो नुकसान दी जाती है, लेकिन घर की हम स्टोर करके भी रख लेते हैं। इसको स्टोर करने की वजह से हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, इस बात को आप ध्यान से देख लेना। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालना हो तो वो हैंड टू हैंड डालें या कोई भी मिंग्स वगैरह। तो इसका सामान हम देख लेते हैं, आइए। तो आज हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी चटनी गुड़ की। तो हमने ये गुड़ ले लिया है, 400 ग्राम गुड़ है ये। मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है, मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने घर से ली है। ये नमक लिया है मैंने एक चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच सौंठ, एक चम्मच काला नमक। तो और ये ले ली है हमने इमली, इमली के लगभग हमारी 300 ग्राम है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा खट्टी नहीं बनाती हूँ, इसीलिए ये हमने गुड़ को काट लिया है छोटे पीसेस में हाथ के हाथ। मैं स्टील के बर्तन में बनाना पसंद करती हूँ, ये आप अपनी मर्जी है आपकी। तो ये हमें इमली जो ली है हमने इसके सारे वो निकाल दिए हैं, ये हम बॉयल कर लिया हमने पानी, इसमें डाल देंगे तो इससे जो है हमारी इमली जल्दी फूल जाएगी। झटपट झटपट वाले काम करना है भैया, आजकल की ज़िंदगी में टाइम नहीं है, भागी जा रहा है लाइफ में, टाइम बहुत कम है अपने लिए, तो इसलिए काम भी करते रहो और थोड़ी ज़िंदगी भी जीते रहिए। यह मैंने पानी जो है डाल दिया है इसमें गर्म वाला गुड़ में, थोड़ा जो मेरा बचा था एक्स्ट्रा। तो हम जो है ना इमली का गूदे में से जो थोड़ा कोई चोया होगा वो निकाल देंगे। ये हमारा गुड़ में हमने और थोड़ा सा हल्का सा पानी और डालकर इसको रख दिया है मेल्ट होने। तो हम इसे गुड़ को थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता, इतनी देर में हमारी जब तक इमली फूल रही है। अब ये देखिए आप भी इस तरह से छोटे पीसेस कर लें, ये देखिए इमली हमारी फूल रही है। इससे हम जो है अगर कोई भी गूदा होगा इसमें, चोया वगैरह जिसे बोलते हैं इमली की गुठली, तो वो निकाल देंगे। लेकिन हर इंसान का बनाने का तरीका अलग होता है, मैं बहुत झटपट वाले तरीके से बनाती हूँ, तो आप भी इस तरह से बनाएं, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हो आप यहीं निकाल दें। ये मैंने काफ़ी हद तक तो देखिए इसमें निकाल दिए हैं, ये इसके अंदर ये निकले थे इसके 3 बीज। तो ये हमारा जो गुड़ देखिए मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हम साथ ही साथ ये डाल रहे हैं इमली। इमली के मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें सब चीज़ साथ डाल दी है इसमें, बिल्कुल इमली के मैंने निकाला नहीं है गूदा वगैरह, क्योंकि मैं इसे बाद में निकालने वाली हूँ। देखते रहिएगा वीडियो में, आपको पता चल जाएगा मैं किस तरह से बनाती हूँ इसको। ये बहुत ईजी तरीका है, आसान तरीका है, झटपट बन जाती है और बनती वैसे ही है जैसे कि आप बहुत मेहनत करके बनाएंगे, सेम वही तरीका है। ये हमारी काफ़ी देर पका ली हमने, लगभग मैंने इसको आधा घंटा पकाया है। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि मैंने आधा घंटा पकाया। इसके बाद में अब हम इसको छानने वाले हैं, जो भी हमने इसमें देखिए ये इस तरह से छाना है। ये गुड़ और इमली दोनों चीज़ें हैं, तो ये अभी गरम गरम है गुड़, तो इसे पतला पतला हो रहा है, बाद में ठंडा होने के बाद में ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये हमने गुड़ और इमली साथ साथ पकाई है, अब हम इसे छान लेंगे इस तरह से। देखिए सब इसमें मैंने कहा था नहीं, मैंने गूदा नहीं निकाला है, सिर्फ उसके जो बीज थे उसमें से वही निकाले थे मैंने, 3 बीज निकले थे, बाकी इसके सूते वगैरह जो है इस तरह से हमने इसको हल्के हाथ से इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा बहुत जो बचा था वो उसमें से फेंक दिया। अब हम इसको चम्मच के हेल्प से इस तरह से दबा दबा के इसका सारा जूस निकाल लेंगे और इसमें ही रह जाएंगे सारे जो उसके सूते होते हैं, रेशेज जो होते हैं उसमें, रेशे वगैरह वो सब इसमें रह जाते हैं हमारे। मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये बहुत झटपट वाला तरीका है, आप भी इस तरह से बनाएं एकदम से। और ये जिस तरह से अब इस टाइम हम निकाल रहे हैं ना, अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल एक मीठी इमली वाला टेस्ट आता है इस तरह। मैं तो इसे निकालते निकालते थोड़ा बहुत खाना भी पसंद करती हूँ जिसे इसका बच जाएगा। फिलहाल तो अब हम इसमें सारा निकाल लेंगे, ये जो बचा हुआ है ये बताना, इसको आप मीठी इमली की तरह भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी है, मैं इसे बाद में खाने वाली हूँ। तो ये देखिए इसमें से हमने सारा छान के निकाल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे अपनी जो चीज़ हमने बाद में ली थी। पहले इसे थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, उसके देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया है इसमें। अब इसके बाद में हमारी ये चीनी, जो मैंने एक कटोरी चीनी ली थी, मुझे आइडिया नहीं था ये कितनी होगी, अब भी एक कटोरी ले लेना 400 ग्राम में, क्योंकि घर की चीनी है। और ये एक चम्मच काला नमक छोटा चम्मच, एक चम्मच सौंठ, एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच नमक। लोग ज़ीरा पाउडर भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो सौंठ जो है उसे हाजमा होता है, कुछ भी खा लें और आप काला नमक और सौंठ को खाने से सब कुछ हजम हो जाता है, इसीलिए इसमें सौंठ डाली जाती है। नमक और मिर्च अपना टेस्ट के लिए डाला जाता है,
इसका जो थिकनेस है आप देख सकते हैं, ये अभी तो थोड़ी सारी आपको लिक्विड थोड़ी पतली सी दिख रही है, लेकिन इसको आप पकाने के बाद में थोड़ी देर रख देंगे, ठंडा होने के बाद में ये गाढ़ी हो जाती है। इसमें उबाल आ रहा है, मैंने मीडियम फ्लेम पे बनाई है ये, देखिए ये मैंने खूब अच्छी तरह से पका लिया है सब मसाले डालने के बाद में इसमें। तो अभी तो देख सकते हैं, अभी तो इसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी वैसी है, ये रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसे बोतल में ट्रांसफर कर लेते। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, तो गुड़ और इमली की। तो देख सकते हैं ये हमारी बोतल में ट्रांसफर कर ली है मैंने इसमें, इस तरह की बोतल में आप भी ट्रांसफर कर लें, तो इससे जो है ये गंदी नहीं होती, मतलब कि झूठे हाथ नहीं लगते हैं इससे, ये खराब नहीं होती है। और खराब इसे अगर बोतल में करके यूज करेंगे तो आप ये काफी लंबे टाइम चल जाएगी और बच्चे भी इसे गिराएंगे नहीं। तो इसी तरह से आप भी ट्रांसफर कर लें बोतल में, और जब आपको बाउल में निकालनी हो तो बाउल में निकालने के बाद में इसके ऊपर थोड़ी सारी वो डाल दें आप मींगे, तो उससे ये थोड़ी अच्छी दिखती है। और हम इसे स्टोर करते हैं इसलिए इसके अंदर हम कोई ड्राई फ्रूट यूज नहीं किया है हमने। ठीक है, इसी तरह से आप भी बनाए अपने घर पे यम्मी सी चटनी गुड़ की खट्टी मीठी। और प्लीज मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, अल्लाह हाफिज़।